हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये देखिए आप एडवर्टाइजमेंट नंबर, कुछ दिन पहले इसका शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था रोजगार समाचार में, मैं उस पर भी वीडियो बनाया हूँ। ये जो जारी कब हुआ है तो 3/6/2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है मंजला कॉपर प्रोजेक्ट के तरफ से, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये जो एक है PSU है और इसका 19-20 का जो टर्नओवर रहा है 803 करोड़ रहा है कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का। और चलिए इसके बारे में बात करते हैं और सारा चीज़ देखते हैं। आप लोग वीडियो कंटिन्यू कीजिए, आपको एक एक जानकारी मिल जाएगी। अगर किसी प्रकार की आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है तो कमेंट करना ना भूलें। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट, सैलरी, सारा चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करने वाले। तो सबसे पहला इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकेंड, पोस्ट कोड 07, इसमें टोटल 20 पोस्ट रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे जो पहला है क्वालिफिकेशन, इसमें आपके पास ITI इलेक्ट्रीशियन विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस या NCVT से और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस आपको कहाँ कहाँ होना चाहिए, तो इंडस्ट्री इन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, इन द ऑपरेशन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ स्विच, ये जो जितना दिख रहा है आपको इसमें से किसी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके पास आप लोगों को वैलिड वायरमैन लाइसेंस होना चाहिए इंडस्ट्री से, ठीक है। मिनिमम इंडस्ट्री ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन, ठीक है। एज आप लोग को मैक्सिमम एज 35 ईयर से कम होना चाहिए और सैलरी 37,310 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे है इलेक्ट्रीशियन कम लाइनमैन ग्रेड सेकेंड, यहाँ पे एक पोस्ट रखा गया है। यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन सेम है, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा है और लगभग सेम है। यहाँ पे अगर आप लोगों को ट्रांसमिशन सिस्टम, नेटवर्क, स्विच, इस सब मेंटेनेंस इस सब में है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप लोग के पास सेम होना चाहिए वायरमैन लाइसेंस, एज भी सेम है और सैलरी भी सेम है। आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाता है 18,180 रुपया से 37,310 रुपया तक। चलिए यहाँ पे और बात कुछ आगे करते हैं। आपका जो जैसे एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन हो गया, वो 6/1 या एज लिमिट हो गया 6/1/2021 से काउंट किया जाएगा, ठीक है। 1/6/2021 से आपको सारा चीज़ काउंट किया जाएगा। आगे बात करते हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट कितना, 35 ईयर से कम होना चाहिए या 35 ईयर, ये तो मैं बता दिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, OBC नॉन क्रीमिलियर को। उसके बाद यहाँ पे PWD और अदर कैंडिडेट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन है, तो आप लोग का मोड ऑफ सिलेक्शन में रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को SC ST को 35% लाना होगा और ये सारा चीज़ दिया गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। और चलिए नेक्स्ट चीज़ के बारे में यहाँ बात करते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.hindustancopper.com, यहाँ पे आप लोग जाके इसका ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसका एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपया रखा गया है, जो कि OBC और जनरल के लिए रखा गया है। आप लोग को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करना है और डिमांड ड्राफ्ट बनाना है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट 15/7/2021 को रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए आगे कुछ इम्पोर्टेंट की बात करें तो हाउ टू अप्लाई, तो आप लोग को अप्लाई करने के लिए इसका फॉर्म का प्रिंट आउट मराना है। प्रिंट आउट मराने के बाद A4 साइज़ में आप लोग को प्रिंट आउट मराना है। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड लगाना है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब मान लीजिए ये मेरा ये हो गया 10th का मार्कशीट और मैं यहाँ पे सिग्नेचर कर दूंगा तो ये हो गया सेल्फ अटेस्टेड। नीचे में सिग्नेचर कर देना है सेल्फ अटेस्टेड कराता स्व अभी प्रमाणित। उसके इसमें आपको क्या लगाना है, मैट्रिक या 12th जो भी आपके पास, उसका डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट प्रूफ में लगा सकते हैं।
उसके बाद है मार्कशीट, मैट्रिक के या टेंथ के या डिप्लोमा जो आपके हैं उसका, सिंपली माने आप टेंथ के, आपको यहाँ पे मार्कशीट देना है। नेक्स्ट है वैलिड वायरमैन लाइसेंस आपको लगाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, सारा जितना चीज़ डॉक्यूमेंट दिया वो सारा लगाने के बाद आप लोगों को एक लिफाफा में रखना है, और लिफाफा के ऊपर आप लोगों को नेम ऑफ द पोस्ट, दो पोस्ट है उसमें से आपको ऊपर में नेम ऑफ द पोस्ट लिखना है, उसके बाद इस एड्रेस पे भेजना है, और उस लिफाफा में डीडी को भी रख देना है। तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं इसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप लोग जाके इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद आराम से अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।